नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा। इतना मत सोचा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं वो हमेशा मुझसे दूर हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्यार मिलता नहीं, हासिल करना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि आयुष मेरी सोनिया को आर्यन की तरफ क्यों धकेल रहा, क्यों धकेल रहा आर्यन की तरफ। ओदीप, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं सोनिया से बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जानता हूं, दिख रहा है तुम्हारी आंखों में कि तुम सोनिया से कितना प्यार करते हो। मुझे सोनिया चाहिए। सोनिया तुम्हें जरूर मिलेगी, आई प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें सोनिया दिलवाऊंगा। मुझसे दोस्ती करके तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अकलमंद फैसला लिया है, और इस दोस्ती का फर्ज मैं ठीक से अदा करूंगा। सोनिया तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसलिए अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं भी यही सोच रही थी। तो क्या सोचा तुमने? सोनिया और आर्यन की दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आर्यन को सोनिया की नजरों के सामने लाना होगा। सोनिया को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आर्यन उसे कितना प्यार करता है। सोनिया को हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले आर्यन को सोनिया की नजर से गिराना होगा। जैसे आयुष आर्यन को सोनिया की नजरों में चढ़ाने की कोशिश करता है। राइट, एग्जैक्टली यही। उदीप, आर्यन जहां जाता है उससे पहले तुम्हें वहां पर पहुंचाना है। आर्यन जो करता है उससे पहले तुम्हें वो कर देना है, और करके इनडायरेक्टली सोनिया को भी बताना है। याद रखना, तुम्हें हर जगह अपने आप को आर्यन से बेहतर साबित करना। मोदी, अब तुम्हारे पास एक जॉब है, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें अब कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, और धीरे धीरे सोनिया के करीब जाना चाहिए। हाँ, अगर आयुष कहीं, आयुष, हाँ, इन सब के बाद भी अगर आयुष्मान इंटरफियर करता है तो उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें आर्यन पर नजर रखनी है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कब किसके साथ है, सब कुछ। उसे बहुत ही एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो सोनिया से अकेले में कुछ बात कर पाए, मिल पाए उसे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो तुम मौका देकर खुद ही समझ जाओगे। ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे? आर्यन को सोनिया के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। लेकिन क्या? कैंडल लाइट डिनर? नहीं आयुष, हाँ, उसे फूल भेजते हैं। सोनिया को आर्यन की तरफ से फूल भेजते हैं। सोनिया की फेवरेट फ्लावर्स क्या है? आज फिर दो मिनट में लड़का नहीं आया ना तो मैं चली जाऊं। आना आना मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढते, अच्छी तरह बताती हूँ। तो क्या है कि ढूंढते ढूंढते तो देर हो गई। क्या ढूंढ रहे थे आप? ये पाक नहीं आपको मिल रहा था या ये बेंच आपको नहीं मिल? तुम्हारी खुशियां। क्या सोच रहे आयुष? आयुष, सोनिया की फेवरेट फ्लावर्स वाइट रोजेस।
मुझे ये लग रहा है कि मेरी बेटी से मिलने के लिए अब मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मेरी छोटी सी बेटी आकांक्षा में इतनी बिजी हो गई है कि ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ओ माँ, मुझे लगा कि मैंने। सोनिया जल्दी से बैठ जा, बैठ अभी मेरे सामने और नाश्ता कर। अरे वाह, सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, किसने भेजा? ये कौन है जिसकी पसंद मेरी बेटी की पसंद से मैच होती है, या तो फिर ये कौन है जिसको मेरी प्यारी बेटी की प्यारी पसंद के बारे में पता है? बोल ना सोनिया, किसने भेजा? आर्यन। आर्यन ने? अरे इतने सुंदर फूल किसके लिए? तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। सोनिया के लिए। अब सोनिया के लिए क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं यार, बस ऐसे ही। क्यों, तुमने कभी प्यार नहीं किया है? लड़कियों को फूल पसंद है इसलिए। अच्छा, ओके, पर सोनिया को ये फूल पसंद नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, आफ्टर ऑल मैं उसका फ्रेंड जो हूं। ये जो फूल है ना, इनसे उसको बहुत ज्यादा एलर्जी। थैंक्स यार, लेकिन एक बात और बताओ, उसे कौन से फूल पसंद है? जाबरा। जाबरा, ओके। अब नहीं, तुम ऐसे करना, उसके लिए तुम ऑर्किड्स लेके जाना। ऑर्किड्स? मैं अभी जाकर इनको बदलता हूं और ऑर्किड्स लाता हूं। सुनो, तुम ऑर्किड्स मत लाना, तुम उसके लिए लिली लेके जाना। लिली? पक्का? हाँ, एकदम पक्का। ओके, या थैंक्स। या जाओ, सोनिया को लिली के फूलों से बहुत एलर्जी। सोनिया को फूल देगा, दे दो, फिर मजा आएगा। सोनिया, तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें व्हाइट रोजेस पसंद है। सो प्योर एंड इनोसेंट, कहां से लाई? किसी ने भेजे। और रियली किसने भेजे? तुम जानती हो कि किसने भेजे, फिर भी पूछ रही। सोनिया, मैंने पूछा किसने भेजे? आर्यन ने। ओके, कोई खास बात है क्या? नहीं, ऐसे ही। आर्यन के लिए तो हर दिन खास रहता है। आई नो, ही इज रियली स्वीट। वैसे तुम्हें यहाँ कैसे लग रहा है? आई मीन, यहाँ आकांक्षा में बच्चों के साथ काम करके अच्छा लग रहा है। और क्या? मेरा मतलब है कि आर्यन के साथ काम करना। आर्यन सिर्फ मेरा कलीग ही नहीं काबिल, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। आर्यन को भी बच्चे पसंद हैं और मुझे भी। आर्यन जैसा दोस्त तो हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए। You're right. अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरे रांस का टाइम हो गया। See you. Bye. हमारा दूसरा प्लान भी सक्सेसफुल रहा। तो क्या कहा सोनिया ने? जब मैंने सोनिया से पूछा कि उसे फूल किसने भेजे हैं, उसने आर्यन का नाम लिया, जबकि हमने फूलों पर कोई कार्ड ही नहीं लगाया था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोनिया आर्यन से फूल एक्सपेक्ट कर रही थी।
मतलब अब वक्त आ गया है कि मैं आर्यन से बात कर लूं। सोचा कि एक्टिंग में थोड़ी रियलिटी डाल देते हैं और आयुष को भी तो इंप्रेस करना है। वो क्या सोचेगा, प्रेमी अपने प्रेमी को फूल तक नहीं दे रहा है। लेकिन तुम थोड़ा लेट हो। मतलब आयुष ने तुम्हारे नाम से ये फूल पहले ही भेज दिए। रोजेस इसीलिए इतने दूर रखे हुए हैं। लेकिन मैं सारी रिसर्च करके आया हूँ, ये लो तुम्हारे लिए बेस्ट लिलीज। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज टेक देम अवे। प्लीज Please stop it, I said. Aryan, please take them away. क्यों? एक दोस्त से फूल लेना मना है? Please, Aryan, take them away. Take them away. इसमें तो कोई कीड़ा नहीं है। जब मैं देने की एक्टिंग कर रहा हूँ तो तुम लेने की एक्टिंग नहीं कर सकती। Aryan, why don't you understand? Take them away. ले जाओ, बाहर ले जाओ इन्हें। कमाल है, मैं तुम्हारे फेवरेट फूल लाया हूँ। ओके, मुझसे नहीं लेना तो मैं टेबल पर रख देता हूँ, मेरे जाने के बाद ले लेना। Aryan, please, please take them away. मुझे लिली से एलर्जी है, please. एलर्जी? लेकिन वो तो प्लीज आर्यन, तुम बाहर नहीं जा रहे हो तो मैं चली जा रही हूँ। प्लीज टेक देम अवे। ओके ओके ओके, मैं जाता हूँ। आर्यन, बस बस। ओह सॉरी, ऑफ कोर्स। बोधी ने लिलीज कहे थे या ऑर्किड्स? ऑर्किड्स ही कहे होंगे, मैं ही कंफ्यूज हो गया। उसने मुझे रोका भी तो इतनी बार था। ये फूल लाकर तो मैं ही फूल बन गया। सोचा था अच्छा बहाना है, प्ले के बहाने अपने दिल की बात बता दूंगा, लेकिन सब फेल हो गया। कुछ सॉलिड सोचना होगा। अपने दिल की बात सोनिया को बतानी ही होगी, लेकिन कैसे बताऊं? वो मुझे सीरियसली लेती ही नहीं है। आयुष कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ हाँ, कुछ जरूरी काम से। कोई खास बात है? बहुत खास बात। तुम्हें याद है मेरे स्कूल में एक लड़का था आर्यन, जो बहुत बोलता था? तुम उसे ऑल इंडिया रेडियो कहती थी। अरे हाँ, मुझे याद है। लेकिन वो तो लंदन चला गया था ना? वो वापस आ गया। वापस आ गया? जी, और उसने वरदान ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट आकांक्षा हैंडल कर रहा है। अरे वाह, इसका मतलब वो सोनिया के साथ। माँ, आर्यन बचपन से सोनिया को बहुत चाहता था, और उसके आने से तो ऐसा लग रहा है जैसे सोनिया की खुशियां वापस आ गई। आज जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं, बस वो पूरा हो जाए। काम? हाँ माँ, कुछ दिनों से हम दोनों उन्हें पास लाने की कोशिश कर रहे थे, और काफी हद तक करीब भी आए हैं वो दोनों। बस आज मैं आर्यन से सोनिया के बारे में बात करने जा रहा हूं। विश मी लक मां, जिस काम के लिए मैं आज जा रहा हूं बस पूरा हो जाए। जरूर पूरा होगा। डिस्टर्ब किया? हाँ किया। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें थोड़ी ना मालूम था मुझे लिली से एलर्जी है। मैं तो तुम्हें सॉरी बोल ही नहीं रहा हूँ। अरे बोलना तो तुम्हें चाहिए सॉरी। एक तो मैं प्यार से तुम्हारे लिए फूल लाया, अब तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। I'm sorry. अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए फोन किया। क्या? आयुष मुझसे मिलने आ रहा है, और वो आते ही घुमा फिरा कर बात तुम्हारे ही करेगा, और वो तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो मैं क्या बोलूं? तुम तो जानते हो। क्या? एक दोस्त के लिए छोटा सा झूठ। अच्छा सुनो, तुम इसे झूठ कह सकती हो सोनिया, लेकिन मेरे लिए तो यही सच है,
बाकी सब झूठ। आंटी जी आप अंदर आइए ना, तुम तो मुझसे मिलने ही नहीं आते, इसलिए सोचा तुमसे मिलने मैं ही आ जाऊं। कैसी हैं आप? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम कैसी हो? मैं खुश हूं। फिर आयुष, मैं जानती हूं आंटी जी कि आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। क्या करूं, आपके सामने नाटक नहीं कर सकती। सच बताऊंगी तो क्या आप मेरे साथ दोगे? आंटी जी, मैं आयुष को सिर्फ खुश देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि काव्य और आयुष अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। मैं और आर्यन बचपन के दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन आयुष चाहता है कि मैं और आर्यन करीब आ जाए। आर्यन को भी मनाया कि हम लोग प्यार का नाटक करेंगे। मुझे आयुष को इस गिल्ट से निकालना पड़ेगा। कैसे? वही करूंगी जो आयुष चाहता है। खुश रहूं, दिखाऊंगी उसे कि मैं बेहद खुश हूं। मतलब मेरे साथ खेल खेलोगी आयुष की खुशी के लिए? I'm sorry आर्यन, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो ना, क्या इतना भी फेवर मैं नहीं मांग सकती? आर्यन प्लीज मेरा साथ दोगे ना? दूंगा। आप मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाई कि ये बात आप आयुष को नहीं बताएंगे। काश जो आयुष सोचता है वही सच होता। सुनिए बेटा, मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ खुश दिखना चाहती हूँ। वरदान में कैसा लग रहा है तुझे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तू ये पूछने आया है? अरे कमाल करता है यार, अपने दोस्त से मिलने आया, कलीग से? अरे दिल से बात कर, खुलकर बात कर, कुछ अपनी सुना, कुछ मेरी पूछ। यही सारी बातें तो करने आया हूं मैं आज। ये हुई ना बात, तो बता तुझे सोनिया कैसी लगती है? मेरे कहने का मतलब है कि तू उसके बारे में क्या सोचता है? आर्यन, बात यह है कि अनजाने में मैंने सोनिया को बहुत दुख पहुंचा है, और मैं नहीं चाहता कि अब उसे किसी भी तरह का दुख पहुंचे। आयुष, मैंने सोनिया से हमेशा प्यार किया है और करता रहूंगा, क्योंकि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं जानता हूं कि तू सोनिया का बेस्ट फ्रेंड है और तू हमेशा उसकी खुशी चाहता है, और इसीलिए तू मुझसे मिलने आया है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने मन ही मन में सोनिया को कई सालों से प्यार किया है। मैं जानता हूं प्यार क्या होता है, किसी की खुशी चाहना क्या होता है। मैं वादा करता हूं मैं सोनिया को कभी दुखी नहीं करूंगा। मुझे मालूम था आर्यन, तुम सोनिया को हमेशा खुश रखोगे।